हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसी गवर्नमेंट गिरेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, मायशत को नहीं संभाल सकेंगे। और शौकत तरीन को भी भेजा समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें ऊपर चली गई थी दुनिया में। तो जो हमारे लिए मुश्किलात थी वो मुश्किलात बढ़नी थी जैसे ही एक हुकूमत को हटाते और सियासी इस्तेकाम खत्म होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट भी मैंने डिसॉल्व कर दी। लोगों को ये याद नहीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। मैंने कहा इलेक्शंस करवाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और सियासत अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी मायशत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह ये कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला ये आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे ही आवाम खड़ी होती गई तहरीके इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी आवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी, मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ, जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो यह पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पर आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि यह हम मानते नहीं, ये जो साजिश करके रिजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था, मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में, मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो उन्होंने हमारे पे की। कारकुनों को जेलों में डाला, 25 मई को मैं बार बार कहता हूं जो जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घर 3-3 बजे लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के ले गए। कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कितनी FIR काटी और किसको कौन सा पुलिस एक्शन लिया, कितनी टीयर गैसिंग हुई। लेकिन 25 मई को जो उन्होंने हमारे से किया और उसके बाद मुसलसल करते रहे, FIRs के ऊपर FIRs काटते गए मेरे कारकुनों पे, लोगों को जेलों में डाला, फिर वो निकले, फिर कचहरियों में चक्कर लगाए, हरासा किया गया। मेरे ऊपर अब तक 74 FIR कट चुकी हैं। कितनी दफा मैं कचहरियों में फिरा हुआ हूं और बेलें करवाता फिरा हूं, सिर्फ और सिर्फ हमें दबाने के लिए कि हम शायद डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सहाफियों से जो किया गया, कभी पाकिस्तान में इस तरह, और सहाफियों से किन से किया गया, वो सहाफी जिनकी इस माशरे के अंदर एक पहचान थी, क्रेडिबिलिटी थी, मोहब्बे वतन थे,
उन सहाफियों से जो इन्होंने किया, और ये कौम कभी नहीं भूलेगी जो अर्श शरीफ से किया, कभी ना मैं भूलूंगा या कौम भूलेगी कि एक ऐसा आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं थी जमीर की, मुहिब वतन पाकिस्तानी, उससे जो किया गया ये कौम हमेशा याद रखेगी। उसके अलावा आजम स्वाति, शबाज गिल, हमारे लोगों को जो इन्होंने पकड़ के तशद्दुद किया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई, और उनसे जो उनके सामने जो उनकी नंगा करके तशद्दुद करके उनकी वीडियोस बनाई गई, आजम स्वाति की वीडियो हमारे एमपी को दिखाई गई जिसको कह रहे थे कि नून लीग में चले जाओ, इमरान खान पे काटा मार दिया है, उसको उसका तशद्दुद करते हुए आजम स्वाति की वीडियो दिखाई गई। फिर जो नीचे गिरे हैं ये लोग, जो गंदी वीडियोस, जो ऑडियो लीक्स, जो आजम स्वाति के घर उनकी बीवी को और बेटी को जो वीडियो, गंदी वीडियो भेजी गई, कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ। और फिर सलमान फारूकी, उसको पकड़ के नंगा करके उसको मारा गया, उसको धमकाया गया, सोशल मीडिया के बच्चों से, चूंकि 17-18 साल के बच्चों को पकड़ के उन्होंने उठा के ले गया, उनको मार धाड़ के, डरा धमका के घर वापस भेजा गया, ऐसे कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो कोशिश ये की गई कि जुल्म और खौफ फैला के, तो ये जो एक तहरीक इंसाफ के साथ कौम जुड़ गई थी, किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। तो मैं इसलिए भी आज अपने कारकुनों को खास तौर पर मुबारक दे रहा हूं कि जिस तरह मेरे लोग खड़े हुए, हर चीज बर्दाश्त की, ये जो हमने जेल भरो तहरीक शुरू की, वो जब इन्होंने शुरू में लोगों को जेल में जो हमारे लोगों ने गिरफ्तारियां दी, हमारे लीडर्स ने दी, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता, उन्होंने सबसे पहले आगे, सबसे पहले वो हुए। तो तहरीक बढ़ती जा रही थी, जिस तरह तहरीक बढ़ रही थी, गुजरावाला, सरगोदा, साहिबाल, और ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दे रही, पिंडी लोग सामने आ गए, पेशावर में इतनी पब्लिक निकलाई, वो पुलिस गिरफ्तारी ना उनको करे, बढ़ती जा रही थी। इससे क्या चीज साबित हुई कि ये जो 11 महीने में जुल्म किया और फिर हमारे जो लोगों को जेलों में डाला, ये जो जेल भरो तहरीक में उनके ऊपर खास जुल्म किया गया, उनको मुजरिमों की तरह रखा गया। जो मैं अभी कहानियां सुन रहा हूं अपने लोगों से, अपने लीडर से, अपने कारकुनों से, खास तौर पे इनको, यानी जिस तरह कोई फैसला करके कि जनाब ये हमारे कोई दुश्मन है, वो किया गया इनसे, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर से ये हरकतें नहीं करती जो इन्होंने जेलों में की। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं 2 महीने पहले से बता रहा था कि ये करने वाले हैं, मुझे पता था कौन है, मुझे अब भी पता कौन है, वो लोग जो ताकत में बैठे हुए हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, हमारी एजेंसीज का सबसे इस वक्त जो खौफनाक आदमी है, जालिम आदमी है, इन्होंने प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है, उसका मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज तहरीक इंसाफ उधर पहुंच गई है। और मैं फिर से कहता हूं कि मैंने सारी पाकिस्तान की सियासत 70 साल जैसे मुझे होश आई है तब से देख रहा हूं, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को अल्लाह ने वो इज्जत दी जो आज तहरीक इंसाफ को दी है। 37 बाय इलेक्शन हुए, 37 बाय इलेक्शन, सारी जमातें एक तरफ, इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करने आई, इंतजामिया ने उनकी मदद की, और जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे वो उनके साथ खड़े हुए। उसके बावजूद 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती। ये जो अभी जामपुर में इलेक्शन हुआ, वो इलाका जिधर देहाती लोग देहातों में रहते हैं, उनको पूरा डराया गया, पूरी तरह एजेंसीज ने जोर लगाया,
पूरी तरह इन्होंने इंतजामिया ने खौफ की फजा बनाई, डराया धमकाया। तो जाए पूछे जरा जामपुर में हुआ क्या, सारी पार्टीज के वोट उनसे अकेली मोशन लगा रही तरीके इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी, जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफ ज्यादा थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो आईन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, गवर्नर्स इनके उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी, आखिर और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आईन की हिफाजत की और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है एक ही तरीका है इलेक्शंस, जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे मजीद दलदल में फंसा जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है, आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर वो माफ करवाने थे, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था, इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया, सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है और इसीलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है, उनको पता है कि जो खाने बुनियादी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो और गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए, मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें जो महंगाई आई है ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने अगर फैमिली है मेरे बच्चे हैं तो मैं क्या मुझे अंडे चाहिए, 135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध, अब दूध इस्तेमाल होता है, दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दूध के अंदर जब से ये आए हैं उसका गया 116 रुपए लीटर से क्या है 156 रुपए लीटर। अब याद रखें कि एक आम घराना जिसकी तनख्वाह है 30,000 से 1,00,000 रुपया महीना, अब उनके अंदर सोचें कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूं कि ये वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, आटा 20 केजी का आटा हमारे दौर में
1162 रुपए, आज गया 1705 रुपए। चिकन, वो जो कभी आम आदमी अच्छे दिनों के अंदर अगर वो गोश्त खाना चाहे तो वो चिकन खाते हैं, वो 280 रुपए से गया है 460 रुपए। फिर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर से गया है 268 रुपया, 150 रुपए लीटर से गया है पेट्रोल 268 रुपए, डीजल गया है 144 रुपए लीटर से 280 रुपए लीटर। तो ये जो आम ट्रांसपोर्ट, अब इसकी वजह से सारी चीजें महंगी, जिन्होंने ऑफिस जाना है, काम करना है, सब चीजें महंगी। गैस की कीमत दुगनी हो गई है, बिजली, अब बिजली की कीमत जिस रेट पे अभी बढ़ी है और जो सरचार्जेस लगा के बढ़ रहे हैं वो तकरीबन दुगनी हो गई है। ट्यूबवेल, किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये जरा मोटी मोटी चीजें, बाकी मैं नहीं बताता, किसानों के लिए ट्यूबवेल। अब वो किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है, उसको अपनी फसलें उगानी होती हैं, उसको जो पैसा बचता है वो फिर वापस लगाता है, लेकिन ट्यूबवेल हमने सब्सिडाइज किया होता 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए था ट्यूबवेल का, आज वो चला गया है 36 रुपए, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। फिर हुआ क्या, मैं सिर्फ जल्दी से ये बता दूं कि आज हालात हमारे हैं क्या, जो रुपया गिरा है हमारे 3.5 साल में, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा था 55 रुपए 3.5 साल में। ये याद रखें कि इन 3.5 साल में आलमी महंगाई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई हुई थी, उसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई थी, जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं, बिजली महंगी, सब चीजें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया। उस वक्त हमारे वक्त के अंदर इस महंगाई के बावजूद जो पाकिस्तान था उसके मुकाबले में आज देखें कि महंगाई आज किधर गई, उस पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 6% पे, आज वो 0 पे चली गई है। और जो लोगों को खौफ आ रहा है कि जिस तरह मुल्क में से पैसा बाहर जा रहा है, जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासिर हो रहा है, खौफ अब यह है कि ये जब 0 पे जब पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट, इसका मतलब बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी एक तरफ बढ़ेगी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, और आगे मायूसी है कि 8 लाख पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। ये है मायूसी का आलम इस दौर में। दो और चीजें मैं आपको बता दूं, इस दौर में कोई बड़ा मसला नहीं आया, हमारे दौर में कोरोना आया जो सदी में एक दफा इतना बड़ा एक अजाब आता है, सदी में एक दफा इस तरह का एक सानिया होता है, जो सारी दुनिया में कोरोना ने दुनिया में जो इंपैक्ट किया, हमारे दौर में उसके बावजूद हमारा मुल्क भी आगे जा रहा था, हमारी माशियत भी 6% पे बढ़ रही थी, 17 सालों के बाद इस तरह ऊपर जा रहा था, इंडस्ट्री वो रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी, हमारे जो ज़राई पैदावार थी वो 4.5% पे थी, वो कोई 17 साल के बाद ऊपर मुल्क जा रहा था। तो जब मुल्क ऊपर भी जा रहा था, रोजगार 50 लाख नई नौकरियां मिली हमारे दौर में, तो उस मुश्किल हालात के अंदर कोरोना के बावजूद, कमोडिटी सुपर साइकिल के बावजूद, हम जब वो मुल्क को संभाल रहे थे तो इनके कौन सी क्यामत आई कि आज पाकिस्तान इधर आके खड़ा हो गया। आज जो सबसे बड़ा मसला है कि आज अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है, अभी ये जो रुपया गिरा है हाल ही में, जो रुपया अभी और गिरा है, इसका भी और इंपैक्ट पड़ेगा, और भी तेल और पेट्रोल और महंगे होने लगे, और ये मजीद और हम दलदल में धंसते जाएंगे, तो इसका हल क्या है?
मैं आज असल में अपनी, क्योंकि इलेक्शन हमारी कैंपेन शुरू होने लगी है, तो मैं पहले अब आपको बताता हूं कि रास्ता क्या है इसमें से निकलने का। कौम आज ये पूछ रही है कि अगर तरीके इंसाफ आती है तो हम क्या करेंगे, हम कैसे कौम को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। सबसे पहले जब तक इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट नहीं आती जो एक पब्लिक मैंडेट लेके आए, जो पब्लिक की वोट से आए, जो पब्लिक जिस पे एतमाद करे, पहला तो अगर मुल्क को अब इस दलदल से निकालना है, पहले वो गवर्नमेंट चाहिए जिसके ऊपर, जिसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो, और वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है। मैं ये उम्मीद रख रहा था कि जब दो सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को, तो मैं उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। उससे मुल्क में, क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा, क्योंकि जो भी हम करेंगे जब तक एक गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान के अंदर नेशनल इलेक्शंस हो के एक गवर्नमेंट नहीं आती तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा, और वो सियासी इस्तेकाम इलेक्शंस में आएगा और उसके बाद माशी इस्तेकाम आएगा। तो पहला कदम तो ये है कि इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट आए पब्लिक का मैंडेट लेके जो 5 साल के लिए आए, और उसके साथ उसको अवाम उसके ऊपर एतमाद रखे कि ये मसले हल करेगी, फिर ये पहला कदम है इस दलदल से निकलने का। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे एक अवाम के अंदर एतमाद आ जाएगा कि अब ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ गई। हमेशा ये याद रखे कि मायशत के लिए सर्टेंटी, अंग्रेजी का लफ्ज है सर्टेंटी, जब तक लोगों को ये एतमाद नहीं होता कि मैं अगले 2, 3, 4, 5 साल तक यही रहेगी हुकूमत, यही पॉलिसीज रहेंगी, जब तक ये एतमाद नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, वो पैसा अपना नहीं लगाता। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मौसम को देख के घबराता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसने आज पैसा लगाना होगा तो वो पैसे के ऊपर जब उसकी आमदनी वापस आनी है तो वो टाइम लगता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा सियासी इस्तेकाम चाहिए, और वो तब आता है इलेक्शन से जब एक मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। तो पहला कदम तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर वन चीज ये है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, तो उसके लिए इलेक्शंस की जरूरत है। दूसरी चीज, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इसमें से निकलना कैसे है। ये जो जिधर हम पहुंच गए हैं, जिधर ये इंपोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क को आज पहुंचा दिया है, अपने तो पैसे इन्होंने सारे करप्शन माफ करवा ली है, लेकिन अब आगे तो इनके पास अब कोई रास्ता रहा ही नहीं है। ये तो जो भी जब से आए हैं जो बातें कहते रहे हैं, वो मुल्क तो मजीद और नीचे जाता रहा। बड़ा शोर मचाया था कि 200 से मैं नीचे लेके जाऊंगा डॉलर को, तो डॉलर तो आज जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं वो तो 300 पे पहुंचने लगा, और वो और उसके जो असरात, फिर से मैं कह दूं कि जब डॉलर, जो आम लोगों के मैं बता रहा हूं कि जब डॉलर 300 का पहुंच जाए, या भी जो 280 का पहुंच गया तकरीबन, तो इसका मतलब सबसे बड़ी चीज तेल महंगा, तेल का मतलब डीजल और पेट्रोल महंगा, फिर बिजली महंगी, तो ये तो बुनियाद, फिर जो चीज आप बाहर से लेके आते हैं वो सब चीजें महंगी, और उससे फिर ट्रांसपोर्ट महंगी, तो वो सारी महंगाई शुरू होती है जब आपका रुपया गिरता है, बाहर से जो आप चीजें इंपोर्ट करते हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं, और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उसका, वो घरों के ऊपर तब पड़ता है कि जब बिजली, पेट्रोल, गैस सब महंगे। दूसरी चीज देखिए, इसके लिए अगर हमने अब पाकिस्तान को जो हालात अब आ गए हैं, और जो सारे बाहर के जो इदारे हैं, जो जिनको मूडीज है या ये जो फिच है, ये जो फैसला करते हैं कि मुल्क की मायशत की हालत क्या है, तो वो जो फैसला करते हैं कि मुल्क
में कितनी सख्त है, इसकी मईशत आगे बढ़ सकती है या ये नीचे जा रही है, तो वो सारे इदारों ने आज पाकिस्तान को नीचे ले गए हैं कि डिफॉल्ट करने लगा। डिफॉल्ट का मतलब कि जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो वापस नहीं कर सकते, हमारे पास आमदनी नहीं है वो कर्जे वापस करने, क्योंकि हमारा हमारी जो मईशत है वो सुकड़ती जा रही है। ग्रोथ रेट कम होने का मतलब मईशत का सुकड़ना। आप मतलब मसला इस वक्त मैं फिर आपको पहले समझा दूं कि मसला क्या पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मुल्क में डॉलर्स आते हैं वो कम हैं और जो मुल्क से बाहर डॉलर्स जाते हैं वो ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डॉलर के अंदर खसारा हो जाता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जब ये खसारा हो जाता है डॉलर का, तो वो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। और वही जो मैंने आपको, जब रुपया गिरता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में। और मुल्क में जब रुपया आपका गिरता है तो मुल्क की आमदनी गिर जाती है। तो एक मसल अब 100 रुपया डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या हुआ? इससे हमारी पाकिस्तानी, अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं रुपयों में, तो वो 100 रुपये, अगर आपका 300 रुपया पड़ा हुआ है तो उसमें से 100 रुपया कम हो गया उसकी, यानी खरीदार की पावर कम होगी। लेकिन अगर आपने ये जो सारे बाहर से इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके तो सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में, फेयर बैंक अकाउंट सारे डॉलर्स में हैं, तो इनको मजीद 100 रुपये का फायदा हो गया। तो पाकिस्तानी गरीब हो गए और ये जो बाहर से चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो गया। तो सबसे जो मैं ये दूसरे पॉइंट आपको कहने लगा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज क्या है इस वक्त, इस मुश्किल जो हम आगे देख रहे हैं, इससे अगर हमें निकलना है तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये जंग अब ये ऐसी नहीं लड़ी जाएगी कि गवर्नमेंट आई और कोई गवर्नमेंट समझे कि वो अकेली लड़ सकती है। अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और जब भी दुनिया के अंदर किसी कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, आप दुनिया की तारीख देख लें, आप और तो और मिसाल दूसरी जंग अजीम में दो मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जर्मनी और जापान, लेकिन 10-10 साल में फिर खड़े हो गए, क्योंकि वो कौमें थी, उन्होंने मिलकर मुकाबला किया, सब इकट्ठे हुए इदारे, सब ने फैसला किया कि हमने फिर से अपने पैर पर खड़ा होना है, और खड़े हो गए। जब कौम इकट्ठी हो जाती है उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। कौम जब फैसला कर लेती है कि हमने अपने पैर पर खड़ा होना है, एक गैरतमंद मुल्क बनना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, जब उसमें खुददारी आ जाती है वो फिर कुर्बानियां देती है। और मुश्किल वक्त से निकलने के लिए हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब मेरा घर है, कर्जे चढ़ गए, अब जब कर्जे चढ़ गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जब तक मेरी आमदनी बढ़ती मैं अपने खर्चे कम करूंगा। इसके अलावा तो जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमारे सामने भी, अब पाकिस्तान के सामने यह रास्ता है। हमने अपने खर्चे कम करने हैं, हमने हर वो इदारा जो कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ बना हुआ है, हर वो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो बोझ बनी, अब हमने सोचना है कि हम कैसे इनको ठीक करना है। और इसके लिए हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं उठाए। हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं, हम एड ले लेते हैं, हम कर्जे ले लेते हैं, उससे क्या होता है? और जो ये हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, हाथ फैलाया है कि जो कहीं से कर्जे आ जाए, बड़ा यानी खुशियां बनाई जाती हैं कि जी वहां से चाइना ने $500 मिलियन का कर्जा दे दिया, लेकिन ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है, कैंसर तो फैलती जा रही है। कैंसर का, जब तक कैंसर काट के निकाली नहीं जाएगी, अब ये मुल्क का इलाज हो नहीं सकता कर्जों से, तो उससे क्या करना है? पहले तो हमने अपने खर्चे कम करने हैं। कई हमारी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन नुकसान कर रही हैं, उनको बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करना है। हमने इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स बना दी हैं,
सोचना है कि उनको हमने सही तरह चलाना कैसे है। हमने मसलन पेंशन्स हैं और पेंशन्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारा जो जो खर्चा एक सूबे का खर्चा होता है उसमें उसका ज्यादा पैसा पेंशन्स पे चला जाता है, हालांकि दुनिया में पेंशन्स के लिए पैसा बनाया जाता है। पेंशन्स को सेविंग करवा के जो लोग पेंशन दे रहे होते हैं वो अपनी अपनी पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, वो बड़ा फंड बन जाता है। महात्र मोहम्मद ने मुझे बताया कि वो उनका जो पेंशन फंड है वो उनके लिए पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, उनसे पैसा आता है और उससे पैसे में वो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, हमारे लिए वो बोझ बना हुआ है। तो मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि हमें अब वो कदम उठाने पड़ेंगे जो अब तक हम पाकिस्तान में नहीं करते रहे, रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सारे जो इदारे हैं सबको फैसला करना पड़ेगा कि अब ये रास्ता है हमारा और हम सब ने उस रास्ते पे जाना है। आमदनी कैसे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। वो कौन कौन से तरीके हैं डॉलर्स लाने के लिए, एक्सपोर्ट्स, आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जो सारी दुनिया में मुल्क आगे बढ़े हैं, चाइना आगे बढ़ा है, ईस्ट एशियन टाइगर्स आगे बढ़े हैं, उस सारों ने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दिया है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी किसी ने। हम जब आए थे तो पिछले 5 साल हमारे पहले एक्सपोर्ट टू GDP रेशो वो नीचे चली गई थी, बजाय पॉजिटिव होने के नीचे आ गया था, क्योंकि किसी की तवज्जो ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो दौलत में इजाफा करने के लिए, अपने मुल्क की दौलत इजाफा करने के लिए सबको समझाना पड़ेगा कि हर चीज जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है हमारे सारी गवर्नमेंट के इदारों ने पूरा मिल के उनकी मदद करनी है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। अभी आप एक्सपोर्टर से, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उनसे पूछता था तो वो आते साथ ही बताते थे कि कितनी रुकावटें हैं उनके रास्ते में, कि हमारी गवर्नमेंट की कितनी रुकावटें हैं उनके रास्ते में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो ये समझ लेना कि जब तक हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी कौम मिल के इनकरेज नहीं करेगी, एक्सपोर्टर्स को प्राइजेस नहीं देंगे, उनको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनको VIPs नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुल्क अब इस दलदल से नहीं निकल सकता। उसके अलावा, एक्सपोर्ट्स के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो डॉलर ला सकती है? पहले तो सोचे और कौन सी चीज डॉलर्स हमारा खर्चा बचा सकती है। हम मसलन पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमने क्यों नहीं सोचा कि और क्या तरीके हैं कि हम पाम ऑयल की अपनी इंपोर्ट कम कर सकें। हमने पख्तूनख्वा के अंदर 2013 के बाद एक पूरा जैतून की पूरी प्लांटेशन करनी शुरू की और आज वह इंकलाब आ चुका है जैतून का, और जैतून के इतने हमने अब वो लगा दिए हैं, जंगल बना दिए हैं कि इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम जैतून एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन ये हमें सब पहले चीजें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का आप आगे देखेंगे तो सारा वक्त हमें सोचना है कि डॉलर्स इस मुल्क में कैसे आएंगे, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री। मसलन टूरिज्म है, स्विट्जरलैंड सिर्फ टूरिज्म से 60 से 80 अरब डॉलर कमाता है टूरिज्म से। हमारा जो पहाड़ी इलाका है, ये जो जिसको हम नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं, वो दुगना है स्विट्जरलैंड से, उससे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम तो कोई पैसा नहीं कमाते उससे, क्योंकि हमने किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारे जो इस मुल्क में साहिब इक्तदार, हमारी एलीट, वो सारी गर्मियां तो गुजारती है जाके इंग्लैंड में और यूरोप में चली जाती है, किसी को पता ही नहीं है कि हम किस तरह की, अल्लाह ने हमें किस तरह की नेमतें दी हुई हैं जो हमारे हैं। तो हम अगर, हमने कभी सोचा ही नहीं है उसका। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, टूरिज्म, फिर जिस तरह मैंने कहा पाम ऑयल, जैतून, हर चीज वो जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में हम उगवा सकते हैं, हमने कभी इसके ऊपर नहीं सोचा। हमारा सारा तकरीबन कितने 100 किलोमीटर का हमारा समुंदर है, उधर हम सारा पाम ऑयल उगा सकते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं। फिर हम कैसे, जो असल आप चैलेंज है मैं आपको सुनूं कि इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, हम कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मैं अब आपको, हिंदुस्तान 6-6.5 गुना बड़ा पाकिस्तान से है, पिछले साल पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई है 2022 में 2 अरब डॉलर, हिंदुस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है 75 अरब डॉलर।
हम जब तक एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट ही लेके आएंगे, हमारी दौलत के अंदर फिर भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब डॉलर्स में आएगी, हमारी हमारा जो रिजर्व्स है डॉलर के बढ़ेंगे। हमें ये मसला नहीं आएगा जो आज आया हुआ है कि हमारे रिजर्व्स ही खत्म हो गए, डॉलर खत्म हो गए, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कोई पाकिस्तान में आज सरमाया करने के लिए क्यों नहीं तैयार, क्योंकि वो डॉलर ही खरीदते हैं, उसको जरूरत क्या जब रुपया गिर रहा है, बाहर से भी किसी को इतमाद नहीं है। तो तब जब इन्वेस्टमेंट जब तक पाकिस्तान में हम नहीं लेके आएंगे, सही माने में हमारी दौलत में इजाफा नहीं होगा। हमने टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए, हमने एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, हमने खास तौर पे ये बनाए इसलिए कि बाहर से हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है, इधर हमने उनके लिए कंसेशंस दी, हमने टैक्स ब्रेक्स दिए ताकि वो आए और यहां इन्वेस्ट करें। बदकिस्मती से जो हमारा सबसे हमसाया चाइना, वो 2 साल बंद हो गया कोरोना के अंदर। जब कोरोना आया तो चाइना के अंदर तकरीबन आना जाना मुश्किल हो गया, उनके क्वारंटीन के इतने मुश्किल लॉज थे, तो वो हमने वो 2 साल मिस कर दिए। लेकिन फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी जोन्स और एक्सपोर्ट जोन्स जो हमने मुख्तस किए हुए इलाके, इनके अंदर जिस तरह चाइना जब आगे बढ़ा था तो उसने इन्वाइट की थी इंडस्ट्री जोन की एक्सपोर्ट जोन्स के अंदर आके, उन्होंने फिर एक्सपोर्ट शुरू की और इसी तरह चाइना की ये 30-35 साल पहले की और आज कहां से कहां पहुंच गया। तो एक्सपोर्ट जोन्स हैं, टेक्नोलॉजी जोन्स और टेक्नोलॉजी की, अब जरा मैं टेक्नोलॉजी ये देखें, आईटी एक्सपोर्ट्स, हमने उनकी पहली दफा आईटी की मदद की, जो आईटी की कंपनीज थी हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, तो हमारी 75% एक्सपोर्ट्स बढ़ी आईटी की, और बदकिस्मती से आके इस हुकूमत ने वो खत्म कर दिए जो इंसेंटिव्स दिए हुए थे। हिंदुस्तान की आईटी की सिर्फ एक्सपोर्ट्स 150 अरब डॉलर है जो वो आईटी एक्सपोर्ट्स करती है। तो हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, नौजवान आबादी है, हमारे पास बड़े आराम से अगर हिंदुस्तान कर सकता है, हम कम से कम 20-30 अरब डॉलर तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो उसके ऊपर हम जोर लगा रहे हैं और हमने आखिरी 2 साल कोशिश भी की। लेकिन ये जो मैं इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर रहा हूं, देखें ये कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। वो माहौल कैसे बनेगा, हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा। अगर अब पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ये जो मैं इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले चलाई थी, ये आप समझ जाएं कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ है, कानून की हुक्मरानी है, वो मुल्क तरक्की कर जाते हैं, वो खुशहाल है। जिन मुल्कों के अंदर जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक्स हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो जितने मर्जी आप वसायल उन मुल्कों में रख दें, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये बार बार आपके सामने ये कहता रहा हूं कि जो मदीना की रियासत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसकी बुनियाद अदल और इंसाफ था। अल्लाह इसलिए हुक्म करता है कि उनके सुन्नत पे चलो, सीखो कि वो उन्होंने वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे, उन्होंने वो काम किया जो दुनिया में किसी इंसान ने नहीं कर सका। उन्होंने इस मुल्क को कहां से, अब मदीना को दुनिया की इमामत की, वहां से उठ के उन लोगों जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, तो सबसे पहले मदीना में अदल और इंसाफ कायम किया। आज अब दुनिया उठा के देख लें, जिन ममालिक के अंदर रूल ऑफ लॉ है वो खुशहाल है, और जिन ममालिक के अंदर जिस तरह हमारे आज हालात हैं कि NRO मिल जाता है, क्यों नहीं जी, किस यूरोपियन मुल्क में कभी सुना है NRO किसी को मिलता हुआ, कभी अमेरिका में सुना है, स्विट्जरलैंड में सुना है, कभी सुना है कि आप चोरी करें, मुल्क की दौलत चोरी करो और आप कहें जी मैं कानून से ऊपर हूं, इसको जंगल का कानून कहते हैं। कभी सुना है अपने पाकिस्तानी आपके बाहर हैं, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, कभी उनसे पूछें कि यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कभी कब्जा ग्रुप का नाम सुना है, कभी कोई ताकतवर कमजोर की जमीन पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि इंसाफ, क्यों आपके लोग यहां से पूरी हर किस्म की कोशिश करते हैं बाहर जाने के लिए। अभी मुझे अफसोस हुआ, हमारी एक हॉकी प्लेयर थी, तुर्की से जाते हुए इटली,
वो उनकी किश्ती डूब गई, उस पर पता नहीं कितने 26 पाकिस्तानी भी डूब गए, वो हमारी हॉकी प्लेयर भी डूब गई। तो क्यों सोचा कि क्यों इतने लोग चांस लेते हैं? हर रोज आप पढ़ते हैं कि वो किश्तियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में और वहां रास्ते में डूब जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पैसे तो कोई बांट नहीं रहा। उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। इंसाफ का मतलब क्या है कि मैं अगर मेहनत करूंगा मुझे मेहनत का फल मिलेगा। वो ऐसे मुल्क हैं जब आप, जिसको आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तब आती है जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है। जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ होता है लोगों को तहफ्फुज मिलता है, उनके जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हकूक को, उनके मुल्क का कानून हिफाजत करता है उनकी। जब मुझे प्रोटेक्शन मिलती है तभी मैं आजाद होता हूं, और आजाद लोग ही बड़े काम करते हैं। तो जो बुनियादी चीज इंसाफ देता है वो आजादी देता है, वो एक इंसान को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। वो फिर उस जिधर इंसाफ होता है उधर इन्वेस्टमेंट जाती है, लोग उधर जाके अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं क्योंकि उनको तहफ्फुज़ होता है, उनको एक कानून, एक मुल्क की अदालतों पे इत्माद होता है कि मैं अगर यहां सरमायाकारी करूंगा तो मुझे हिफाजत मिलेगी। तो जब एक मुल्क के अंदर एक स्मॉलर, और मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री होती है, जो मीडियम छोटी सनअतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती हैं और वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती, अदालतें उनको तहफ्फुज़ नहीं देती, जो पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, आगे यानी आज एक कानून बना कल दूसरा बना, आज एक टैक्स का निज़ाम है कल दूसरा बना, उस मुल्क के अंदर सबसे पहले जो कुचले जाते हैं वो छोटी सनअतें हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। और जब एक मुल्क में इंसाफ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, लोगों को तहफ्फुज़ देते हैं, वो फिर तरक्की करते हैं मुल्क, उधर खुशहाली आती है। शेरशाह सूरी की अगर आप कहानी पढ़ें, वो हिंदुस्तान का सबसे अजीम एक बड़े बड़े हिंदुस्तान के हुक्मरानों में से एक शेरशाह सूरी था। तो उसकी अगर कहानी, उसकी जब जिंदगी पढ़ें तो शुरू किधर से हुआ था? उसके बाप की जागीर थी, बाप ने उसको कहा कि जागीर संभालो, ये बिहार के अंदर जागीर थी। उसने वो जागीर के अंदर सबसे पहले काम क्या किया? उसने जो बड़े बड़े डाकू थे उन सारों को खत्म किया। उसने अपने जागीर के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करके लोगों को तहफ्फुज दिया। जो सारे इर्द गिर्द की जागीरों के जो सनतकार थे, जो सरमायाकार थे, वो सारे उसकी जागीर में आ गए। उन्होंने वहां जाके पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो सबसे खुशहाल हो गई। उधर से शेरशाह सूरी का नाम ऊपर आया। तो आज भी अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जो मैंने देखा है वहां पैसे नहीं लोग बांट रहे। आप हमारे लोग इसलिए जाते हैं कि वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको फायदा होता है, और वहां कोई तंग नहीं करता, कोई कब्जे नहीं करता, कोई ताकतवर आके उसको कोई रिश्वत नहीं मांगते हर दूसरे दिन। लोग दुबई में चले जाएं, दुबई में आप पूछें जरा पाकिस्तानियों से कि किस तरह, क्यों आप पाकिस्तान में नहीं बिजनेस करते, क्यों दुबई चले गए, तो वो पूछे, वो आपको बताएंगे कि कोई तंग नहीं करता उनको, उनको पता है ये टैक्स है, इतना दो, आराम से मेहनत करो, काम करो, आपको फायदा होगा। तो जो सबसे जरूरी चीज पाकिस्तान में, कानून की हुक्मरानी कायम करना है, रूल ऑफ लॉ कायम करना है। ये मुझे बड़े लोगों ने मेरे से पूछा कि जी ये आप कैसे कायम करेंगे? ये मैं 26 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैंने लोगों को, मेरे से जब बात करते हैं कि जी इमरान साहब देखें आप ये ऑपोजिशन है, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? मैं इन सबको अब से नहीं, पहले से भी कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौकफ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचना। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? मुझे अगर ये बार बार, जब 3.5 साल मैं गवर्नमेंट में था, मुझे बार बार कहते रहे कि जी इनको आप एनआरओ दे दें। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो।
वो जब मैं उनसे बात करें हमने फैटफ का बिल पास करना है, वो कहते जी एनआरओ दे दो। मैं एनआरओ नहीं दे सकता क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा आवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि आवाम का पैसा उनको माफ कर दूं? और जब आप उनको माफ करते हैं तो बड़ों को क्यों क्यों पकड़ते हैं? फिर जेलों में बेचारे गरीब लोग क्यों फंसाए हुए हैं? मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किस किसने हमला किया, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं मुल्क की खातर, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया था उन्होंने सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला ने उसी सुन्नत पर चलते हुए, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन है ना, वो तो सब इंसानों के लिए एक रहमत बन के आए थे, तो नेल्सन मंडेला ने जब 27 साल जेल में गुजारे, जब वो बाहर निकला तो उसने सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था, और उसने ये कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, बस ये सच बोल दो कि आपने ये जुल्म किया है तो हम आपको माफ कर देते हैं। साउथ अफ्रीका को बचा गया, वहां खून खराबा होना था। आज भी पाकिस्तान जिधर खड़ा है इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है। तो मेरे लिए, मैं अपनी अगर जात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता तो मैं भी कहा जी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उससे मैं बदला लूंगा, तो फला लूंगा। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है, और मुल्क आज उधर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया। इस वक्त जो अंदाजा यूएनडीपी अंदाजा लगा रही है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लोग उनको वो भूखे रह जाएंगे, जो आज कल हालात है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लोगों की जो इस वक्त मुश्किल हालात में है, जो महंगाई में, वो हालात हैं जो कभी पाकिस्तान में नहीं थे, हमें उनको सामने रखना है, अपनी जात के ऊपर नहीं आना, उनके लिए हमें मुल्क को इकट्ठा करना है। हमने आगे इस मुल्क को पैर पे खड़ा करना है, तो शुरू उधर से होगा जिधर एक सारे इदारे मिलके अब फैसला करें। अदलिया, अदलिया का बहुत बड़ा रोल है, जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, हम अपनी अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स करें ताकि इन्वेस्टर आए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का असासा मेरे पाकिस्तानियों याद रखें ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये जो आपके तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, इनका पैसा डॉलरों में कमाया जा रहा है, ये इतना बड़ा असासा है कि हम थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें, मुल्क में माहौल ठीक कर दें, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ठीक कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दें, हम इनके लिए रुकावटें कम कर दें, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विस को, अपनी अदलिया को, अपनी फॉरेन मिशंस जो बैठी हुई हैं, हमारी जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, सबको लगा दें कि हमने इनको सहूलतें देनी है पाकिस्तान में, ताकि ये अब पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। आपको अंदाजा नहीं कि इस मुल्क में कितना पैसा आ सकता है, जो हम थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए जलील हो रहे हैं दुनिया में, एक दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हम माहौल बना दें, इस मुल्क में इतना पैसा आ सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं कि हमें कभी IMF के पास जाना ना पड़े। आपको मैं अभी ब्लूमबर्ग, एक वो मैगजीन है ब्लूमबर्ग, उस मैगजीन के अंदर, क्योंकि दुनिया के अंदर, दुनिया के जो मुल्क हैं उनकी मैशत के ऊपर वो कॉमेंट करती है, दुबई में, जरा ये गौर से सुने, दुबई में 20,000 पाकिस्तानी, 20,000 पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं 10.4 अरब डॉलर की। हम IMF के पीछे, हमारा प्रोग्राम था 6 अरब डॉलर का, हमने 3 अरब डॉलर लिए थे अपने दौर में,
हम उसके लिए अपनी आजादी भी खो बैठते हैं, अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं। सिर्फ 20,000, याद रखे 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, 20,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है। तो वो पहले तो पूछे वो दुबई में क्यों खरीद रहे हैं, और वो तो यहां से पैसा बाहर जा रहा है ना। हमें पता है कि यहां बड़े बड़े जो बदकिस्मती से या ताकतवर लोग जो ये पैसा चोरी करते हैं वो सारा बाहर भेज देते हैं। ये जो सारे मेयरफेयर के फ्लैट और ये सारा यहां का चोरी किया हुआ पैसा गया हुआ है। तो मैं तो सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं, मैं तो यूरोप की नहीं बात कर रहा, मैं अमेरिका की नहीं बात कर रहा, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, लंदन में कितनी प्रॉपर्टीज है पाकिस्तानियों की उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं। सोचे पाकिस्तानियों का, ये तो मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है, ये सोच ले कि उन 1 करोड़ पाकिस्तानियों में से अगर 5 लाख पाकिस्तानी फैसला करें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के डॉलर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, वो माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें उनके लिए आसानियां हम पैदा करें ताकि वो पैसा अपना लेके आए। और ये दुनिया में जब वियतनाम, ये जो मुल्क आगे बढ़े हैं, इन सारों ने माहौल पैदा किया जिधर से बाहर से इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन उनके पास, उनके लोगों ने नहीं की, उन्होंने तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आए वियतनाम में। हमारे पास तो ये हमारा असासा बैठा हुआ है, हमने सिर्फ माहौल ठीक करना है, हमने उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, हमने इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना है। और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। जब तक ये नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जब ताकतवर चोरी करे उसे ना पकड़ो और कमजोर को जेलों में डालो, वो कौम तबाह हो जाती है। ये हमारी तबाही का सबसे बड़ा मसला आज ये है कि ताकतवर चोरी करके कहता है एनआरओ दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और हम सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो सब जो इन सारी चीजों को एक अगर पॉइंट सबसे ज्यादा वो है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। तो आखिर में मैं और इसमें और मैं बता दूं, हम टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे थे, हम FBR को ठीक कर रहे थे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बना दिया था, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने 35 मिलियन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, जो मजीद जो टैक्स नहीं दे रहे थे लेकिन उनके पास वसाइल थे, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए उनको आइडेंटिफाई किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास तो अभी सिर्फ 20-25 लाख टैक्स पेयर वाले लोग हैं, 22 करोड़ में सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। तो हमने ये जो तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया था, अगर हम इनको टैक्स में ले आए तो हमारी आमदनी में और इजाफा हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाए, डॉलर्स आ जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जो हम बढ़ा रहे थे और उनको इंसेंटिवाइज करें उसमें डॉलर्स में इजाफा हो जाएगा। तो आखिर में और फिर मदनियात, हमने कभी इसके ऊपर जोर ही नहीं दिया। एक तो बड़ा गलत किया कि सारे सूबों के अंदर मिनरल्स की जो डिपार्टमेंट है वो उधर डाल दी, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान मदनियात या मिनरल्स को, हम बेच के हमने इसमें भी एस्टिमेट किया हम और डॉलर्स ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आखिर में इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं अपना पहला जलसा कर रहा हूँ और मैं आगाज़ कर रहा हूँ अपनी इलेक्शन कैंपेन का। मैं अपनी सारी अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सारे अपनी पार्टी को कहना चाहूँगा तैयारी कर लें। मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक टिकट सारे बांट दूंगा। मैं आप खुद टिकट्स का मैं आपको ये बता दूंगा, इस बारी मैं खुद टिकट्स दे रहा हूँ। टिकट्स मैं इसलिए खुद दे रहा हूँ कि मुझे आखिरी दफ़ा पता चला पिछली बारी कि हमारे टिकट्स के बिके हैं हमारे गलत कैंडिडेट्स को पैसे लेके बनाया गया। तो इसलिए मैं अब किसी पे नहीं छोड़ रहा, सारे मैं खुद तफ्तीश कर रहा हूँ, मैं खुद बैठ के टिकट्स दूंगा,
खुद मैं इंटरव्यू कर रहा हूं लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊंगा लोगों को इंटरव्यूज के लिए, लेकिन अगले हफ्ते दो हफ्ते तक इंशाल्लाह मैं टिकट्स तकरीबन सारे दे चुका हूँ। जिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद पंजाब में हमने सीधा बलदियाती इलेक्शन करवा देना, तो इंशाल्लाह हम उनको वहाँ अकोमोडेट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ कि इस बारी मैं पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर सख्ती से कहना चाहता हूँ कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है, इस बारी हमने ये नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पर हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी अपनी दयानतदारी से कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको ये कहता हूं कि किसी किस्म की ना मैंने सिफारिश आज तक सुनी है, ना मुझे किसी किस्म की कोई लालच कोई दे सकता है, तो मैं अपनी पूरी दयानतदारी से टिकट्स दूंगा। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई किसी ने फिर खड़ा हो गया तो हम उसको इस बारी पार्टी से निकाल देंगे। हफ्ते को पहला मेरा जलसा है और मुझे ये पता है कि इस वक्त एक प्लान बना हुआ है। फिर से आपको पहले भी मैंने बताया था, जब मेरे ऊपर वज़ीराबाद में अटैक हुआ तो मुझे उससे पहले मैं कह बैठा था कि मेरे ऊपर हमला होगा, और इस बारी फिर मुझे पता है कि प्लान बनाया हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये देखा कि इन 11 महीने में मैंने अपनी पार्टी को बदलते देखा। हमारी पार्टी को सारे कहते थे कि जी मम्मी डैडी पार्टी है, ये तो जी बेचारे कोई मुश्किल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो अपनी पार्टी को बदलते देखा, 25 मई को इन्होंने ये जो एक बदमाश है इनका इंटीरियर मिनिस्टर और ये जो सारे मिलके इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, और इनका ये ख्याल था कि अब पार्टी बिल्कुल बैठ जाएगी, अब ये नहीं खड़ी होती, लेकिन पार्टी फिर से खड़ी हुई और लोग शौक में चले गए, हक्का पक्का रह गए कि कैसे कोई कर सकता है जमहूरियत के अंदर जो इन्होंने